कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को बीजेपी सदस्यता दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक जुटे हुए हैं। किस प्रकार की उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, किस प्रकार से उसको अपमानित किया गया। अरे वो लीडर है, कांग्रेस की बड़ी लीडर है, उसने अपना जीवन दिया है। अगर उसकी इच्छा हुई है कि मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूं तो क्या आपत्ति है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को बीजेपी सदस्यता दिलवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के बीच होड़ मची। शैलजा जी आ रही बीजेपी में, कुछ बातें रणनीति की होती अंदर रहने दो। हरियाणा में बीजेपी सदस्यता अभियान की इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा दी जाए, वो भी चुनाव से ऐन पहले। लेकिन कुमारी शैलजा के पास ऑफर सिर्फ बीजेपी से ही नहीं बीएसपी से भी है। हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं, अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ, अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो। बीजेपी हो या फिर बीएसपी, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाने के लिए इतनी आतुर इसीलिए हो रही है क्योंकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज चल रही है। दावा किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट तक नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अलग ही दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो खुद कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना चाह रहे हैं। जिस दिन खट्टर साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था उस दिन से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं लेकिन हमारे दरवाजे बंद हैं उनके लिए। हरियाणा में बीजेपी सदस्यता अभियान का टारगेट बन चुकी कुमारी शैलजा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार अभियान से दूरी बना ली है। हालांकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी भी राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने वाली तस्वीर लगी हुई है। कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा नाराज हैं इसीलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र लॉन्च कार्यक्रम में नहीं आए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो ट्वीट जरूर किया है। बीजेपी वालों ने शायद कुमारी शैलजा का 15 सितंबर का ये ट्वीट और 11 सितंबर का ये बयान नहीं सुना। टोटली फेक, शैलजा कभी ऐसा कर सकती है क्या? शैलजा विरोधी, जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। आप देखते हैं कि उनको कांग्रेस की जो आज के दिन एक हवा है, एक आंधी है, उससे वो हताश हो गए। हरियाणा में मैडम कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? कांग्रेस बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाए। कुमारी शैलजा का ये बयान 10 दिन पुराना है और राजनीति में अगले पल का कोई भरोसा नहीं होता। कुमारी शैलजा कांग्रेस की ही सदस्य बनी रहेंगी या फिर बीजेपी के सदस्यता अभियान को सफल बनाएंगी, इसकी श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।